दोस्तों, अगर आप मी का टीवी यूज़ कर रहे हो या फिर रियल मी का टीवी यूज़ कर रहे हो या फिर किसी दूसरे ब्रांड का एंड्रॉयड टीवी यूज़ कर रहे हो, तो आप जरूर अपने फ़ोन को अपने टीवी से कास्ट करने की कोशिश करते होंगे। कुछ लोगों के केसेस में ये हो जाता होगा, कुछ लोगों के केसेस में ये नहीं होता होगा। तो सबसे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की। अगर आप मेरे टीवी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख पाओगे तो वहाँ पर एक स्पीड मीटर चल रहा है। तो कैसे आप इसको अपने टीवी में इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आपको ये पता चल पाए कि जो इंटरनेट आप अपने टीवी में कनेक्ट किए हो वो अच्छी स्पीड आपके टीवी को दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो पूरा सेटअप इसका कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, और इससे आप इससे सही डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपने टीवी में किस तरह का इंटरनेट कनेक्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। अब दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने टीवी के प्ले स्टोर में जाना होगा, और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंटरनेट टेस्ट स्पीड बोल के। आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐप मिल जाती है टाइम नेट स्पीड। आप देख लीजिए, जब आप सर्च करोगे इंटरनेट स्पीड तो आपको चौथे नंबर पे एक ऐप मिलेगी टाइम नेट स्पीड। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है अपने टीवी में। ध्यान से आप इसी ऐप को इंस्टॉल करिएगा, किसी दूसरे ऐप को आप इंस्टॉल मत करिएगा। काफ़ी सी छोटी सी ऐप है, लाइट वेटेड ऐप है, और ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ से एक बार ओपन करना है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ परमिशंस वगैरह दोस्तों देना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, पूरा बैक चले जाइए आप। अब आपको क्या करना है, अपने टीवी के सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद में आप जाइए एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर ऐप्स के अंदर में। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे में, स्पेशल ऐप एक्सेस, इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर आप फोर्थ नंबर पर जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, के ऊपर आप क्लिक करिए। इसके बाद में अब आप उस ऐप को सर्च कर लीजिए, यहाँ पर ढूंढ लीजिए, काफ़ी सारी ऐप्स आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको उस ऐप को ढूंढ लेना है। जैसे यहाँ पर ये ऐप मुझे दिख गई है टाइम नेट स्पीड ओवरले, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, बस इतना सा ही काम है। अब वापस से आपको इसी ऐप में जाना है, तो आप चले जाइए अपने होम स्क्रीन के मोर के अंदर में, और यहीं पे आपको वो ऐप दिख जाएगी। यहाँ पर ये ऐप है, इसको ओपन कर लेना है आपको। अब यहाँ से आपको गॉट इट कर देना है। अब इसके बाद में कुछ आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के दिखेंगे फॉर्मेट्स, कि आपको टाइम फॉर्मेट भी रखना है या फिर आपको सिर्फ स्पीड वगैरह देखनी है। तो जैसे कि मुझे सिर्फ स्पीड ही देखना है, सो नेट स्पीड के ऊपर जो सबसे लास्ट में मिलता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्पीड आना स्टार्ट हो गई है। तो अब आप बैक कर दीजिए तो ये परमानेंटली आपके डिस्प्ले पर रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ प्ले करके भी देख लेते हैं कि क्या स्पीड मीटर सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा। आप देख सकते हो वहाँ पर 9.9 या फिर 11 Mbps की मुझे स्पीड मिल रही है। तो चलिए, मैं यहाँ पर कुछ अगर मूवी वगैरह है मेरे पास में नेटफ्लिक्स पे, मैं उसको प्ले करके देखता हूँ कि क्या ये सच में काम कर रही स्पीड या सही बता रही है या फिर ऐसे ही फेक काम कर रही है। तो इससे आप अपना देख भी सकते हो कि ये ऐप कितनी वर्किंग है और ये काम करने में कैसी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मूवी जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो गई। आप ऊपर में भी देख सकते हो कि जो स्पीड मीटर है वो काम कर रहा है सही से। तो मेरे हिसाब से ये वर्किंग है। आप भी चला के थोड़ा देखिए, आपको पता चल पाएगा, इससे सही आइडिया आप ले सकोगे कि ये काम कर रही है सही से या फिर नहीं कर रही है। बताइएगा दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में कि ये ऐप आपके टीवी में काम कर रही है सही से या फिर नहीं कर रही है। अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट बेस्ड पे मैं वीडियो बना सकूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।